हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक तरफ रूस, परमाणु हथियारों का खतरा भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। एक तरफ रूस खुले तौर पर परमाणु हथियारों को इस्तेमाल की चेतावनी दे रहा है, तो खबर है कि चीन भी अपनी परमाणु क्षमता को बढ़ा सकता है। ऐसे में दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। विश्लेषकों का कहना है कि जिनपिंग की ओर से मिले संकेतों के बाद यह तो तय है कि अमेरिका के साथ अपनी बढ़ती प्रतिद्वंद्विता के बीच चीन परमाणु प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करेगा। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पूर्व अधिकारी का कहना है कि चीन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए रणनीतिक परमाणु बलों के विकास को मजबूत करेगा। वहीं एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका के द्वारा चीन के परमाणु हथियारों के विस्तार को चेतावनी दी है। नवंबर में पेंटागन द्वारा जारी एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि चीन के पास 2027 तक 700 और 2030 तक कम से कम 1000 परमाणु हथियार हो सकते हैं।